हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज एक नया दिन, नई शुरुआत, एक नया चैप्टर ऑफ लाइफ विच विल स्टार्ट टुडे। सो मे यू ऑल हैव एन अमेजिंग डे अहेड विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड सक्सेस, गुड न्यूज़ एंड गुड थॉट्स। सो आज हम जल्दी उठ गए थे, आई वेंट टू जिम। मैंने जिम इसलिए कवर नहीं किया बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सीन एवरीथिंग अबाउट जिम। तो वर्कआउट करके देन आई स्ट्रेट हेडेड टू ग्रोसरी लेना था, तो थोड़ा सा मैं सुपर मार्केट होके वापस आया। नाउ वील हैव सम ब्रेकफास्ट। नेहा एंड मी आर ऑलरेडी अप। पर्ल अभी रेस्ट कर रही है, शी विल गेट अप सून। और हम ब्रेकफास्ट करके विल गेट रेडी फॉर ऑफिस बिकॉज आज जल्दी मुझे ऑफिस जाना है। एंड देन रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ विल कीप कवरिंग जब जब टाइम मिलेगा। बट आई होप गाइज आपका दिन भी अच्छा जाए जा रहा होगा। कुछ गुड न्यूज़ आई है तो बताओ अपनी लाइफ में, आप कुछ कॉमेंट करके बताओ इफ़ इन केस यू हैव अचीव्ड समथिंग बिग इन नियर बाई डेज। थोड़ा सा और लास्ट की वीडियो पर बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा था कि आई एम नॉट श्योर दिस कंटेंट विल हेल्प यू आउट और नॉट, या आपके मतलब कई कंटेंट है या नहीं, बट वी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्स एंड पर्सनल मैसेजेस ज़्यादा है दैट एवरीथिंग यू स्पोक दैट इज़ रिलेटेबल। कई लोगों को उसका फ़ायदा भी मिला, सो दैट थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इससे पहली वाली वीडियो है जाकर आप देखिए एंड यू विल डेफिनेटली लाइक इट। इट्स लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज बेनिफिट्स, ये वो सब कुछ उसमें कवर किया है। सो आई होप गाइज आपका दिन भी अच्छा जाए। टेक केयर। बीच बीच में विल कीप कवरिंग थिंग्स। थैंक यू। ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ एंड देन कुछ अगर बीच में कवर होता है तो आई विल डू इट। बाकी रेस्ट विल सी यू इन द इवनिंग। ठीक है, बाय। हे गाइस, आई एम बैक फ्रॉम ऑफिस। आते आते इट्स ऑलरेडी 9:30, इनफैक्ट 10 ही हो गया, 10 o'clock। और अभी हम करेंगे डिनर, देन वी विल गो आउट फॉर अ शॉर्ट वॉक। थोड़ा सा टाइम घूमने के बाद वी विल कम बैक एंड विल स्लीप। बाकी हाय फ्रॉम स्नेहा एंड पर्ल। हेलो। गाइज सो हमने डिनर कर लिया है एंड नाउ वी आर हेडिंग टू चर्च। कभी कभी हमारा जब मन थोड़ा सा अपसेट होता है, मतलब थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा अच्छा लगना है, थोड़ा सा लो फील हो रहा होता है, तो वी हेड टू चर्च ऑलवेज इररिस्पेक्टिव द टाइम कितना हो रहा है। सो हम हमेशा चर्च में चले जाते हैं। नाइट टाइम है अभी, इट्स ऑलरेडी 11 o'clock, सो नाइट टाइम है, बट वी फील एट पीस वेन वी गो टू चर्च। द ग्रोटो ऑफ मदर मेरी विच इज जस्ट टूवर्ड्स द रोड साइड। सो हम चर्च के अंदर ना भी जा पाए, एटलीस्ट वी गो टू द चर्च आउटसाइड बाहर से और मदर मेरी से ग्रोटो पे प्रेयर करके वी कम। बहुत अच्छा लगता है और एक पीस ऑफ माइंड जो है, कई बार अनआंसर्ड चीज़ें भी होती हैं जो आपको आंसर चाहिए होते हैं एंड यू डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या है इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सब वहाँ पर जाके आंसर मिल जाता है। प्लस हम आप सबके लिए हमेशा वहाँ पे प्रेयर करके आते हैं सबके लिए, और हमारे फैमिली के लिए, आपके लिए स्पेशली, आपकी नीड्स के लिए, आप खुश रहें उस चीज़ के लिए वी ऑलवेज गो अहेड एंड प्रे।
गाइस सो हम चर्च आ गए हैं एंड सी सो ये रोड साइड ही है ग्रोटो जो हम आराम से इजीली इज इट ओपन फॉर विजिटर्स जो भी आते हैं दे कैन प्रे और दे कैन इजीली विजिट द ग्रोटो बाकी स्नेहा एंड पर्ल आर इनसाइड तो गाइस अब हम चलते हैं थोड़ा सा और घूमने के बाद सामने से विल हेड होम और मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर गॉड ब्लेस गुड नाइट. Thank you.